धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी को मंदबुद्धि बालक की संज्ञा देते हुए कहा कि वे मंदबुद्धि हैं। उन्होंने कहा कि राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने जनता को गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सब कुछ सरकार के पक्ष में है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने देश की सेना का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चुंग ने कहा कि राहुल गांधी जिन लोगों ने देश को 6 दशकों तक लूटा है और इनकी 4 पीढ़ियां देश के खजाने को लूटकर बड़ी हुई हैं, वे चौकीदार को देखकर चोर चोर कह रही हैं। उन्होंने कहा कि आप तो खुद धोखाधड़ी और जालसाजी के केस में जमानत पर हैं और आप उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं जिस व्यक्ति की 4.5 साल की सरकार में देश के हर फ्रंट में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार पर आज दिन तक कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाया है। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताएं। क्या उन्होंने राफेल पर देश के दुश्मनों से सूचना ली थी? जिस यूपीए सरकार ने 2007 से 2014 तक राफेल डील को फाइनल नहीं किया, उस वक्त क्या कमीशन तय नहीं हो रहा था या बिचौलिए तय नहीं हो पा रहे थे? आखिर में जब कांग्रेस को एनडीए सरकार के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो राफेल जैसे रक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीति की, जो कि गैर जिम्मेदार ना थी। जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय जिसमें देश के चीफ जस्टिस जिसको चेयर कर रहे हो और 3 लोगों का बेंच हो उनके निर्णय पर टिप्पणी करे, उनके निर्णय को गलत कहे, मैंने उसके लिए सही शब्द का प्रयोग किया है कि मंद बुद्धि बालक है। ऐसा बालक है जैसे बच्चा कहते हैं ना, मेरे को ये ले दो, चॉकलेट ले दो, वो जिद पकड़ता है, वो सच्ची हो झूठी हो। तो ये हमारे मंद बुद्धि बालक जिद पकड़ के बैठे हैं। देश के न्यायालय पर न्यायालय का सम्मान भी करना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। इससे पहले रक्षा मंत्री ने बयान दिया, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्व प्रेसिडेंट ने कहा, लेकिन राहुल गांधी जी को, मंदबुद्धि बालक को लगता है तो वो बोलता जा रहा है रैफल। और राहुल जी जिन्होंने देश को 6 दशकों तक लूटा, जिनकी 4 पीढ़ियां देश के खजाने को लूटकर बड़ी हुई, वो चौकीदार को देखकर चोर चोर कह रहे। आप तो खुद धोखाधड़ी जालसाजी की केस की जमानत पर हो और उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हो जिसकी 4.5 साल की सरकार देश के हर फ्रंट पर कामयाब है और देश के गरीबों के लिए काम कर रही है, जिस पर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आपके पिताजी कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपया भेजता हूं तो 86 रुपये नीचे पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली से 100 रुपया भेजता है तो गरीब की झोंपड़ी तक 100 का 100 पहुंचता है। हमने ये साबित करके दिखाया है, एक लंबी लिस्ट है, करोड़ों लोग जो मदरसों में पढ़ते थे जिनको पैसा मिलता था, नकली लोग कहां गए वो, करोड़ों राशन कार्ड जिन पर देश के गरीब को अनाज जाना था वो आज खत्म हो गए। आज 100 रुपया दिल्ली से मोदी जी भेजते हैं तो गरीब की झोंपड़ी में 100 का 100 पहुंचता है। इसलिए राहुल गांधी जी, ये डील सरकार और सरकार के मध्य है जिसमें कोई बचोलिया नहीं है। और 3 मुद्दों पर आप अदालत गए थे, निर्णय प्रक्रिया, जिस पर अदालत ने स्पष्ट किया
सारे कागज पढ़ने के बाद सारी फाइलें गोपनीय रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी कि निर्णय प्रक्रिया सही है। राहुल गांधी जी, दूसरा प्रश्न था कि डील की कीमत, उसके ऊपर न्यायालय ने स्पष्ट किया और एक शब्द का, एक लाइन का प्रयोग किया है, इट इज ए फाइनेंशियल एडवांटेज टू नेशन। पुरानी डील के रेट क्या थे, आज की डील के रेट क्या है, उन्होंने न्यायालय ने कहा है दोनों पेपर्स को देखकर ये फाइनेंशियल एडवांटेज है। तीसरा प्रश्न था कि देश के अंदर किन कंपनियों को उन्होंने काम देना है, इस पर आपने प्रश्न चिन्ह उठाया था, तो न्यायालय ने कहा है कि भारत सरकार की रैफल डील में ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई भूमिका नहीं थी, इट इज ए सर्टिफिकेट। जिनको देश का सर्वोत्तम न्यायालय सर्टिफिकेट दे रहा है और आप उन पर ही प्रश्न उठा रहे हो, न्यायालय पर ही प्रश्न उठा रहे हो। और एक चीज जो हम न्यायालय ने इन सब चीजों पर प्रतिक्रिया दी है, मनगढ़ंत रिपोर्टों और मीडिया रिपोर्टों और मैन्युफैक्चर किए गए परसेप्शन के आधार पर कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता, क्योंकि इन आरोपों के तथ्यों में तथ्य ही नहीं है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल देने के औचित्य नजर नहीं आता। ये बहुत बड़ी टिप्पणी कांग्रेस और राहुल गांधी की कैंपेन की हवा निकालने के लिए देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने की है। जिनको नहीं समझ आ रहा, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है, मैं रिपोर्ट दे सकता हूं, जो न्यायालय ने रिपोर्ट के आदेश जो दिया है वो आदेश की कॉपी दे सकता हूं। लेकिन देश के न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह करने वाला व्यक्ति, और ये वीरों की भूमि है हिमाचल, सबसे ज्यादा सैनिक देने वाली भूमि है, राहुल गांधी जी ने रैफल्स का मुद्दा उठाकर देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठाए, खतरे में डाला है। किसकी मदद करना चाहते हैं राहुल जी,